सलाम मेरी जान, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की स्पेशल वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से अपने मोबाइल पर मोनीटैग, ऐड ऑपरेटर या एस टेरा की ऐड पर सेल्फ लोडिंग कर सकते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है ऐड ऑपरेटर की, एस टेरा की या मोनीटैग की, तो उसमें मैंने आपको बताया था सारा प्रोसीजर लैपटॉप या पीसी पर, या आप उसको वही सेम मेथड आप अपने आरडीपी में भी यूज़ कर सकते थे। लेकिन आज जो आपको मैं प्रोसीजर बताने वाला हूँ ये सारा मोबाइल पर होगा, और मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि किस तरह से आपने ये प्रोफाइल बनानी है, किस तरह उसमें प्रॉक्सीज ऐड करनी है, और किस तरह से आपने अपने जो लिंक्स हैं उस पर सेल्फ लोडिंग करनी है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले अपने आ जाना है प्ले स्टोर अकाउंट में, और यहाँ पर आपने आने के बाद इंस्टॉल करनी है एक ऐप जिसका नाम है गो लॉगिन। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ गो लॉगिन, तो मेरे सामने ये ऐप आ गई है। इसको मैंने ऑलरेडी अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपने यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद जैसे मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पर मेरे पास साइन इन स्क्रीन आ गई। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके अपना यहाँ पर आप अपना अकाउंट साइनअप कर सकते हैं। तो साइनअप करने के लिए आप अपनी जीमेल भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप टेम्पमेल का यूज़ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको टेम्पमेल का यूज़ करके बताऊँगा। उसके लिए मैं जाता हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र में, और यहाँ पर मैं टेम्पमेल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, आप कोई भी टेम्पमेल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये 7 डेज़ के लिए अकाउंट आपका होता है, उसके बाद आपको दोबारा से न्यू अकाउंट बनाना पड़ता है। तो मैं यहाँ से अपनी जो टेम्पमेल है उसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपने गो लॉगिन साइनअप स्क्रीन पर। यहाँ पर मैं अपनी जीमेल टाइप करता हूँ, टेम्पमेल टाइप करता हूँ, पासवर्ड पर मैं सेम अपनी जो है वो ईमेल लिख देता हूँ, और यहाँ पर भी कंफर्म पासवर्ड पर मैं सेम लिख लेता हूँ। यहाँ से मैं डन करता हूँ, और यहाँ पर साइनअप बटन पर मैं क्लिक करके अपना अकाउंट साइनअप कर लेता हूँ। यहाँ पर ह्यूमन वेरिफिकेशन के लिए मेरे से कैप्चा मांगेगा, तो इसे भी मैं वेरीफाई करके कंटिन्यू करता हूँ। ओके जी, हमने वेरीफाई कर लिया। कह रहे हैं यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर, तो आई थिंक शायद इस पर मैंने पहले अकाउंट बनाया था, तो मैं इसी अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ। ओके जी, ये देखें मेरे पास जो है अकाउंट लॉगिन हो गया है, और यहाँ से अकाउंट, ठीक है जी, इसको मैं डिसमिस करता हूँ। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो मुझे ये कह रहा है कि भाई आप यहाँ पर एक ब्राउज़र इंस्टॉल करें, ऑर्बिटा ब्राउज़र, जो कि मेरे मोबाइल में नहीं है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सिंपली इंस्टॉल बटन पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर ये मेरे पास वो बता रहा है कि भाई ये ब्राउज़र है, आप इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें। तो जी, मैं इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। जैसे ये इंस्टॉल होता है उसको मैं उसके बाद मैं फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ कि आपने क्या करना है। ओके जी, हमारी जो ये ऐप है ऑर्बिटा फॉर गो लॉगिन हमारे अकाउंट में सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गई है। तो अब यहाँ से इसको हम ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बैक आ जाता हूँ अपने गो लॉगिन ब्राउज़र में, सॉरी अपने ऐप में। तो यहाँ से ये देखें तीन मुझे प्रोफाइल्स बनी नज़र आ रही हैं ऑलरेडी। तो यहाँ से मैं इनको जो है वो सभी को डिलीट कर देता हूँ, और आपको मैं फिर से एक बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आपने किस तरह यहाँ पर न्यू प्रोफाइल बनानी है। आपके सामने भी कुछ 5 ऐसी प्रोफाइल्स बनी आ रही होंगी, तो आपने करना क्या है, उसको सभी को डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद आपने यहाँ पर छोटे से ये जो प्लस आइकन है आपको बॉटम में देखने को मिल रहा है, आपने यहाँ पर प्रेस करना है। जैसे ही आप यहाँ पर प्रेस करते हैं, सबसे पहले आपसे यहाँ पर प्रोफाइल नेम मांगता है। तो मैं यहाँ पर ठीक है, मैं यहाँ पर फर्स्ट टेस्ट लिख देता हूँ नाम में, और यहाँ पर अब सेकंड जो ऑप्शन हमारे पास आ रही है वो है जी ऑपरेटिंग सिस्टम की। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब अगर हम एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। विंडो, मैक ओ एस, M1, लिनक्स, एंड्रॉयड, ठीक है, इनमें से आप जो भी रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल एंड्रॉयड रखना चाहता हूँ, तो उसको मैं सिर्फ क्लिक करता हूँ, और यहाँ से न्यू फिंगरप्रिंट में मैं क्लिक कर देता हूँ। न्यू फिंगरप्रिंट पर ये होता है कि आपका जो फिंगरप्रिंट है, जो आपके मोबाइल की जो डिटेल होती है, जो एंड्रॉयड आपका कह लें कि वर्चुअल जो डिवाइस बनेगी उसकी डिटेल फ्रेश हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंड ऑप्शन प्रॉक्सी की। अब प्रॉक्सी में आप यहाँ पर अगर क्लिक करें तो आपके यहाँ पर विदाउट प्रॉक्सी, फ्री प्रॉक्सी, टोर प्रॉक्सी, HTTP, SOX 5 और SOX 4 की प्रॉक्सीज आपको देखने को मिलती हैं। तो अगर तो आप फ्री प्रॉक्सीज यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मोनीटैग, ऐड ऑपरेटर या कह लें कि एस टेरा के लिए लोडिंग के लिए ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। आपको उसके लिए परचेज़ करनी पड़ेगी SOX 5 की प्रॉक्सीज, और वो भी रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज होनी चाहिए। तो वो अगर परचेज़ करना चाहें तो आप मेरे से भी परचेज़ कर सकते हैं, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा व्हाट्सअप का, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह आपको रीज़नेबल प्राइस में प्रॉक्सीज मिल जाएंगी।
तो अभी मैंने कुछ प्रॉक्सीज जो हैं वो कॉपी करके रखी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ प्रॉक्सी और मैं आ जाता हूँ यहाँ पर वापस। ये सारी सॉक्स 5 की रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज हैं, तो मैं यहाँ पर अभी आता हूँ सॉक्स 5 प्रॉक्सीज में और यहाँ पर अब मुझे कह रहे हैं कि भाई आप अपनी प्रॉक्सी को ऐड करें। ठीक है, मैं यहाँ पर अपनी प्रॉक्सी को पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर आपने बस एक चीज़ का ख्याल करना होता है कि जो ये लास्ट में 5 या 4 जो डिजिट होते हैं, ठीक है सॉरी, उसको आपने यहाँ पर पोर्ट में लिखना होता है। अच्छा जी, 50905 मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 906। ठीक है, जैसे मैंने ये प्रॉक्सी अपनी जो है वो ऐड की करनी है, उसके बाद मैंने यहाँ पर चेक प्रॉक्सी पर क्लिक कर देना, तो यहाँ पर मुझे बता देगा कि जो मेरी ये प्रॉक्सी है वो एक्टिव है या नहीं। यहाँ पर सक्सेस यूएस लिखा आ गया, इसका मतलब है कि ये यूएस की प्रॉक्सी है और ये एक्टिव है। ठीक, थोड़ी थोड़ी सी हम थर्ड ऑप्शन वाली साइट पर आएँ तो यहाँ पर टाइम जोन की ऑप्शन हमें देखने को मिलती है, तो इसको आपने नहीं छेड़ना। यहाँ पर वेब आरटीसी की ऑप्शन है, इसको भी आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। जियो लोकेशन और एडवांस किसी भी सेटिंग को आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो आपकी ठीक है। ठीक है, यहाँ से आपने जो है क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करके अपनी जो प्रोफाइल है वो जनरेट कर लेनी है। अब इसमें मोबाइल में और जो आप इसका सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं अपने पीसी में, उसमें ये फ़र्क होता है कि आप वहाँ पर अपने पीसी में मल्टीपल प्रॉक्सीज बना सकते हैं, मल्टीपल प्रोफाइल्स बना सकते हैं एक ही टाइम में, या आप अगर एक प्रोफाइल बना लिया आपने तो आप उसको उसकी कॉपीज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मोबाइल में आपको जो है ऐसी ऑप्शन देखने को नहीं मिलती, आपको यहाँ पर एक एक करके ही प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, उसमें आपको अलग अलग प्रॉक्सीज ऐड करनी पड़ेंगी, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा सा टास्क हो जाता है। लेकिन खैर ये है कि हमारा काम यहाँ पर इजीली हो सकता है। अब हमारी ये जो प्रोफाइल बनकर रेडी हो गई, यहाँ पर मैं अगर रन बटन पर क्लिक करूँ तो यहाँ देखें स्टार्टिंग ऑर्बिटा जो है हमारा जो ब्राउज़र है उस पर हमें ये रीडायरेक्ट करके ले जाएगा और हमारी जो ये प्रोफाइल है ये यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब ये जो हमारे सामने ये ब्राउज़र ओपन हो गया है, इसमें प्रॉक्सी ऐड है। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं whoa.net पर जाकर कि हमारी जो ये प्रॉक्सी है वो कितने परसेंट सिक्योर है और हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है। तो इसके लिए यहाँ पर जस्ट आपने whoa.net टाइप कर लेना तो आपके सामने वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ओके जी, हमारे सामने ये जो whoa.net ओपन हुआ है इसमें हमें बता रहा है ये हमारा आईपी एड्रेस है और ये हमें लोकेशन बता रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर देखें आप OS जो हमारा है वो एंड्रॉयड है। ठीक है, वहाँ पर भी हमने एंड्रॉयड बनाया था, यहाँ पर भी हमें एंड्रॉयड मिल रहा है, और यहाँ पर ये देखें 100% हमारा स्कोर आ रहा है कि 100% ये ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आपको बाकी इन्फॉर्मेशन भी इसकी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर एप्लीकेशन में US आ रहा है, ठीक है, बाकी उसके IP एड्रेस वगैरह और सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर मैं सेकंड जो वेबसाइट है वो है स्कैम एनालिटिक्स, वो मैं देख के चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर हमारी जो प्रॉक्सी है उसका स्कैम स्कोर क्या है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्कैम एनालिटिक, तो यहाँ पर मुझे फर्स्ट जो वेबसाइट है वो आएगी, उसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं अपने आईपी का स्कोर चेक कर लेता हूँ कि मेरे जो आईपी एड्रेस है जो मैंने यूज़ किया है उसका स्कोर कितना है। मोनीटैग ऐड ऑपरेटर या ऐड स्किलर के लिए आप अगर लोडिंग करना चाह रहे हैं तो उसमें आपका जो फ्रॉड रिस्क है, जो ये फ्रॉड स्कोर है, ये 50 से कम होना चाहिए। अगर 50 से ज़्यादा होगा तो उस प्रॉक्सी को आपने यूज़ नहीं करना। तो यहाँ पर हमारा 33% स्कोर आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर हम लोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो भी डायरेक्ट लिंक है, डायरेक्ट लिंक को आप शॉर्ट कर लें ट्विटर से, जैसे आपको मैंने बताया भी था लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका मैं लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूँगा। ठीक है, वहाँ से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं अपना डायरेक्ट लिंक तो आपको ओपन नहीं करके दिखा सकता क्योंकि YouTube की पॉलिसीज़ होती हैं, लेकिन खैर मैं यहाँ पर आपको YouTube की जो सॉरी हम मेरी जो वेबसाइट है वहाँ पर मैंने अपने एड ऑपरेटर के लिंक लगाए हुए हैं वो मैं वेबसाइट आपको यहाँ पर ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं न्यू टैब में क्लिक करके अपना जो वो लिंक है वेबसाइट का thisuhail.online ये इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो अगर आप ऐड ऑपरेटर पर वर्क कर रहे हैं तो आप अपने वेबसाइट पर भी वो ऐड इंटीग्रेट कर सकते हैं, बल्कि आप मोनीटैग के ऐड भी लगा सकते हैं, ऐड सीडा के ऐड भी लगा सकते हैं, जिसके भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मेरी वेबसाइट है ये ओपन हो गई है, और यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी किसी पोस्ट पर क्लिक करता हूँ, इस पोस्ट पर मैंने क्लिक किया तो ये मेरे सामने फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट लिंक एक ओपन हो गया। ठीक है, न्यू टैब में, तो इस तरह मैंने मतलब इसमें लगाया हुआ है, स्मार्ट टैग वाली ऑप्शन आती है इसमें, जैसे ही मेरी वेबसाइट पर कोई एक्शन होगा विद इन 10 सेकेंड तो एक न्यू टैब में मेरा डायरेक्ट लिंक ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे मेरी वेबसाइट आ रही है, यहाँ पर बैनर ऐड वगैरह और वो चीज़ें तो नहीं देखने को मिलती, लेकिन खैर ये देखिए यहाँ पर मुझे एक ऐड रिसीव
4000 आई थिंक, शायद 4 मिलियन डॉलर ऐसा कोई मतलब ऐड आ रही है मुझे, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरी क्लिक ऐड हो जाएगी। मैं यहाँ पर जैसे क्लिक करता हूँ उसको, तो ये न्यू टैब में मेरी जो ऐड है ये ओपन हो जाएगी। तो इस तरह ही आप ऐड स्टेटर पर वर्क कर रहे हैं या आप अगर काम कर रहे हैं मोनीटैग पर, तो इस तरह से आप इस स्टेप को फॉलो करके आप जो है वो लोडिंग कर सकते हैं। बाकी CPM वर्क करना चाह रहे हैं वो भी आप इजीली कर सकते हैं। CPM किस तरह इंक्रीज़ करनी है लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया है। अगर आपको फिर भी नहीं, आपने वो वीडियो देखी, आपको नहीं समझ आ रही, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी वीडियो, इसमें आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से आपने अपनी प्रोफाइल्स बनानी है, किस तरह से उसमें प्रॉक्सीज ऐड करनी है और किस तरह उस पर लोडिंग करनी है मोबाइल पर। तो इसके लिए बस आपको प्रॉक्सीज चाहिए, उसके अलावा कोई आपको इजाफी कोई चीज़ नहीं चाहिए। आई होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको मिल सकें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।